आज मैं एक जगह पे आया हूँ। लोकली जगह का नाम है नूनपाल, जो द्रहाल में ही है। और इस जगह की इंटरेस्टेड बात यह है कि यहाँ पे एक तो इस जो मेरे पीछे जगह देख रहे हो, काफ़ी मुतवर मानते हैं जगह को। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि क्रिकेट ग्राउंड भी है, जो बाद में आपको दिखाऊंगा। जो वो जो क्रिकेट ग्राउंड है वो एक नेचुरली बना हुआ है, और जो बहुत यहाँ से बहुत से बच्चे आगे यहाँ पे खेलते भी हैं। तो गाइस रहिए मेरे साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप जैसे मेरे सामने जगह देख रहे हो, वो काफ़ी मुतबर जगह मानते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि एक इस्लामिक बुजुर्ग गौसे पाक की यहाँ पे बैठक भी मानते हैं। यह है कि बुजुर्गों से सबने सुना है कि इस जगह को काफ़ी पाक मानते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, और इसकी खास बात यह है कि जो ये जगह है ये बहुत हाइट पे है। आप जैसे मैं बताऊंगा आपको, इस पे कोवरिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये दरगाह तो नहीं बोल सकते आप जगह को। हाँ ये बता, ये बात है कि ये बैठक है गौसे पाक की। So let's see the view, guys. देख लिया, अब मैं लेके जा रहा हूँ जो यहाँ पे ग्राउंड है। तो ये जगह ये उससे ज्यादा हाइट पे, और जो वो ग्राउंड है वो थोड़ा नीचे है, जैसे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा और थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफी हाइट पे जगह और धूप बहुत बढ़ती है यहाँ पे। बात ये कि जो यहाँ का क्लाइमेट होता है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। सो इसलिए यू कैन सी आई एम ऑल्सो वेयरिंग रेनकोट। सो जो गाइस मैं आपको क्रिकेट ग्राउंड के लिए बता रहा था, ये रहा वो ग्राउंड, ये रहा। सो चलते हैं नीचे और रास्ता देख सकते हो आप, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। जो आज मेरे साथ जिस बंदे ने मेरे को आज ज्वाइन किया वो है मेरे साथ मेरा कजन तौफीक, कैमरामैन भी है आज, और इसी को लाया, बाकी सभी ने गिव अप कर दिया, सोए रहते हैं। तो गाइज नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस ग्राउंड को देखोगे तो आपको पूरा ये रेक्टेंगुलर दिखेगा, जैसे न्यूजीलैंड में ग्राउंड होते हैं, होता है ऐसे 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 क्या करें अब। ओ शिट, वैसे रास्ता और भी है अच्छे से, बट हम थोड़े गलत रास्ते से आ गए, इसलिए वी फेस सम डिफिकल्टी। सो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं यही है वो ग्राउंड, ये बिल्कुल नेचुरली है। अब जाके थोड़ा इसको ये रेटेनिंग वॉल से कवर किया है, बट ये जो ग्राउंड है ये नेचुरली बना हुआ है। जो अब थोड़ा मौसम कूल हुआ है, बादल आ गए हैं वैसे, और हवा अच्छी चल रही है। अब मैं आप एक बात यहाँ पे आप महसूस कर, सिर्फ हवा चलती है यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता, सुकून जिंदगी का बस यहीं पे है। So guys, toss is the call. I am just kidding. So guys, ये वो ग्राउंड है मेरे पीछे देख सकते हो आप,
ग्राउंड तो ठीक है, थोड़ा रेक्टेंगुलर है, बट इसमें है कि जो अगर यहाँ पर राइट साइड का बैट्समैन होगा तो उसके लिए लेफ्ट साइड की बाउंड्री बहुत कम है। अगर थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए तो अच्छा ग्राउंड बन सकता है। और इसमें इस और इस जगह की खास बात यह है कि रोड कनेक्टिविटी भी है। आप यहाँ से नीचे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो नीचे रोड भी है, फाइनल जगह है, रिलैक्स है, पीस है, और यहाँ से आगे माइंड अच्छे से रश कर सकते हो। तो गाइस आपको अच्छी लगी होगी, जरूर विश कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।